इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए अंडरपास में। कुल 6 अंडरपास ऐसे बनाए गए थे जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट वाली जो कर्तव्य पथ की सड़क है उसको जोड़ता है। सरकार ने दावा किया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये अंडरपास इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि रेड लाइट एरिया को फ्री किया जाए। आपको बता दें कि जितने भी रेड लाइट हैं वो फ्री तो हो गया, लेकिन आम जनता जो बारिश के मौसम में राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास जो आनंद लेने आते हैं, वो आखिर इस अंडरपास से राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट कैसे जाएं? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये अंडरपास है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ 3 से 4 फीट का पानी भरा हुआ है और इस पानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। यहाँ पर ना कोई सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, ना ही कोई प्रशासन के तरफ से यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है। कोई अनजान व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है तो वो सीधे तौर पर पानी में यहाँ पर पार करते हुए नजर आएगा, किसी के साथ अनहोनी घटना भी हो सकती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये अंडरपास बनाया गया था और यहाँ पर ना कोई उचित व्यवस्था की गई है और ना ही पानी की निकासी की जा रही है और ना ही कोई भी बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है कि लोग यहाँ से क्रॉस ना कर पाए। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो इस पूरे इस इलाके में उनकी जिम्मेवारी होती है। भैया ये पानी क्यों भर गया यहाँ पर, ये क्यों पानी भर गया? ड्रेनेज ब्लॉक हो गया। तो इसको ब्लॉक हो गया तो ये सफाई इसकी नहीं हुई? सफाई हुई थी। कब हुई थी सफाई? स्टार्टिंग में हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले। अभी कोई अधिकारी यहाँ पर आए, कोई मुआयना, क्यों अभी क्यों नहीं पानी निकालने का काम चल रहा है? पानी निकाला जा रहा है? पानी नहीं निकाला जा रहा, लेकिन जब तक यहाँ की लाइटें नहीं आएगी, यहाँ पर मोटर लगी हुई है। हाँ। मोटर से ही ये पानी जाता है। लाइट क्यों कटा है? अगर क्या नाम है भैया, लाइट जलाएंगे तो यहाँ पे करंट आ जाएगा पूरे में। तो ये कब तक ऐसा स्थिति रहेगा, कब पानी? आज ही हुआ है बस, ऐसा है, वैसे कभी होता बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी भर गया है, कोई ना बैरिकेड लगाया गया है, आम पब्लिक कोई भी आ सकता है अंदर, हम लोग भी इधर से आए, ना कोई रोकने वाला है, तो कोई यहाँ पर कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया? गार्ड तो है ना, बाहर ही तो खड़े हुए गार्ड, काहे नहीं रोका गया? हम लोग अंदर क्यों आ गए? चलो इस बात को देख लेते हैं और क्या होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। ठीक है आकाश जी, आप यहाँ पे क्या देखते हैं, साफ सफाई का काम या कुछ सुरक्षा? सुपरवाइजर हूँ मैं। सुपरवाइजर है, ठीक है। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे कर्तव्य पथ के इलाके का सौंदर्यीकरण किया गया था जिसमें करोड़ों की लागत लगी है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि क्या वास्तव में सरकार और बड़े बड़े इंजीनियर मिलकर इसका रोडमैप बनाए थे। और हकीकत ये है कि देखिए कितना पानी भरा हुआ है। आखिर ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के पौस इलाके लुटियस जोन के इंडिया गेट की है, तो राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों का क्या हाल होगा? बारिश है ये मैं मानता हूँ और पूरे देश में इन दिनों मॉनसून की बरसात हो रही है, लेकिन मॉनसून से पहले सरकार को इस तरीके की जो लापरवाही है वो अब सामने आ गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के तरफ से ना कोई उचित व्यवस्था की गई थी, न NDMC की तरफ से की गई थी, और ये पूरा घुटना भर पानी कर्तव्य पथ के अंडरपास में भर चुका है। और ये सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने किया था। सवाल यही उठता है कि जितनी भी तैयारियां की गई, जितने भी बड़े बड़े ये पूरा सेंट्रल विस्टा के नाम पे बड़ा बड़ा अंडरपास बना, राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया गया, लेकिन स्थिति पहले से और ख़राब हो चुकी है। और इसको बयां करने के लिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूं और मेरे जो पैर का निचला हिस्सा है वो लगभग 2 फीट तक पानी में डूब चुका है। सवाल ये उठता है कि कब सरकार जागेगी और इस तरीके की तस्वीरें आने वाले दिनों में ना आए, इसके लिए सरकार क्या करेगी?